नमस्कार दोस्तों, चंदू मिस्त्री यूट्यूब चैनल में सब भाई लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं चंदू मिस्त्री और मेरा यूट्यूब चंदू मिस्त्री, तो दोस्तों सब भाइयों का स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों, मैं आज ये 3 HP की ओपन वेल मोटर लगाने जा रहा हूं दोस्तों, मेरे गाँव से कुचामन से कम 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों, ये हमारे 15 किलोमीटर दूरी के आसपास है, जैसे दूसरी से 6 किलोमीटर दूरी पर चोपड़ा की ढाणी। तो दोस्तों, ये मोटर लगाने जा रहा हूँ मैं हनुमान जी चोपड़ा के। तो दोस्तों, वहाँ ढाणी है और ये वहाँ उसमें मोटर ये लगाएंगे। तो त्रिपाल का बड़ा होद है, तो ये रास्ता है दोस्तों जूसरी जाने का, इस रास्ते से ही हम जूसरी जा रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाला है अब हाईवे। तो दोस्तों, ये बड़ी हाईवे है जो अपनी 4 लाइन है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं। और तो दोस्तों, हाईवे के जस्ट सामने से ही ये रोड गुजरती है। तो दोस्तों, ये हाईवे है बड़ी, हनुमानगढ़ हाईवे से गुजरते हैं। कच्चे रास्ते जैसे डबोरा रोड है दोस्तों, डबोरा रोड से होते हुए इंटरनेशनल टैगोर के पास हम पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आने वाली है इसपे, तो दोस्तों अब आने वाली है इंटरनेशनल टैगोर। तो दोस्तों, अब दूसरी काम दूसरी से 8 किलोमीटर दूरी पे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इसमें बोट आएगा तो दूसरी के बारे में डिटेल आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बोट आने वाला है, आप देख सकते हो दोस्तों, दूसरी 8 किलोमीटर पे और कुचामन 3 किलोमीटर, यानी दोस्तों मैं 5 किलोमीटर आ गया हूँ। और दोस्तों, ये इंटरनेशनल अपनी टैगोर है, सनराइज स्कूल है, बड़ी स्कूल है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और आगे निकल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी जूसरी जा रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये साजी की कोठी है या पुरानी साजी की कोठी बोलते हैं, इनसे भी मैं आगे निकलता हूँ। फिर आता है दोस्तों इसमें शिव जी का मंदिर। तो शिव जी के मंदिर से होते हुए मैं जूसरी जाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं शिव जी का मंदिर पहुंच गया हूं और शिव जी के मंदिर से मैं आगे निकल गया हूं दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हो दूसरी 5 किलोमीटर और दोस्तों इधर कुचामन 6 किलोमीटर। अभी दोस्तों बढ़िया मौसम है चौमासा का, पूरे हाफ देखोगे वहीं हरियाली हरियाली नजर आ रही है। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंचने वाला हूं दूसरी रोड पे, तो मैं कुछ ही देर में दूसरी स्टॉप पे पहुंचने वाला हूं। तो दोस्तों, ये बड़ी गौशाला है, यहाँ गांव की है दोस्तों, काफी गायें वगैरह रहती हैं यहाँ, बहुत अच्छा काम है, उड़ने का काम करते हैं ये सभी गायों को। तो देख सकते हो दूसरी मैं पहुंच गया हूँ, कुचामन अब 10 किलोमीटर है दोस्तों। दोस्तों, ये चोपड़ा की ढाणी का बोर्ड है, चोपड़ा की ढाणी यहाँ से 4 किलोमीटर है दोस्तों। दूसरी गाँव से मैं बाईपास निकल गया हूँ और अब मैं अभी चोपड़ा की ढाणी जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास में एक ये हमारे जोगाड़ वाले मिल गए हैं और इनसे करते हैं दोस्तों राम राम। राम राम जी, राम राम जी। तो दोस्तों, हम राम राम करके यहाँ से निकल गए हैं और ये मिलने वाले हैं हमारे, लोडिंग चलाते हैं, जोगाड़ है इनके, मोटर वगैरह काम है जी। तो दोस्तों, मैं अब आगे निकल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं उनके हनुमान जी चोपड़ा के घर पे पहुँचने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं दूसरी अभी ये इसमें चोपड़ा की रानी और दूसरी यहाँ से 3 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर है। तो मैं इधर गाँव में घूमता हूँ और घूमने के बाद मैं चोपड़ा की रानी में पहुँचता हूँ, फिर आपको आगे बताएंगे वहाँ जाके कहाँ जाना है। तो दोस्तों, ये इधर गांव है इनका, ढाणी है चोपड़ा की ढाणी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो चोपड़ा की ढाणी 0 किलोमीटर। फिर उनको फ़ोन करते हैं दोस्तों, उनको बुलाते हैं, तो ये यहाँ से वापिस हम आ रहे हैं और वहाँ उनके घर पे जाने हैं। तो ये सुनील है मेरा लड़का है, ये गेट खोलता है फिर अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अभी मेरी बाइक लेके अंदर जा रहे हैं और दोनों वापिस उनके घर पे ही पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों, ये है दयाल जी, मैं आप उनको मिलाता हूँ। ये दयाल जी है, उनका ये शेरू है, ये इनकी गाड़ी है, उनके घर पे हम पहुँच गए हैं। और दोस्तों, ये पहले से ही हमारे इंतज़ार में, काफ़ी देर से हो रहा है इंतज़ार इधर। और दोस्तों, ये पाइपलाइन है अपनी दो की, उसको गर्म कर देते हैं, और ये अपनी 2.5 की निपल है ये लगा रहे हैं इस पर, और ये दयाल जी इस पर चोट मार रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पाइपलाइन आपको लगा देना है और ठोक देना है, इस पर 2 की निपल लगा देना है। और दोस्तों, ये दयाल जी है और ये दयाल जी लगा रहे हैं, ये अभी इनके पास कुछ है,
मछली लेकर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। दोस्त ये कुछ बता रहे हैं और ये मेरा शेरू है, ये इसके महाराज का स्वागत कर रहा है। दोस्तों ये निपल प्लांट लगा कर हमने कंप्लीट ये मोटर कर दी है, आप देख सकते हो रस्सा से बांध दिया है। अब दोस्तों मेन बात है, इनको किसी को भी तैरना नहीं आता है, तो ये बोल रहे हैं कि आपको ही पानी के अंदर जाना पड़ेगा और आपको ही ये ओपन बेल 3 HP की मोटर लगाना है। तो मेरे को तो दोस्तों नहाने का बहुत शौकीन हूँ मैं, तो मेरे को तैरना भी इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर दोस्तों मैं मेरा काम कर सकता हूँ। दोस्तों मैं जिसके पास ही जाता हूँ तो वह नहा के ही आता हूँ। नई मोटर और नया जैसे होद होता है तिरपाला बड़ा खड्डा, तो उसमें नहाने का आनंद ही और रहता है दोस्तों। तो अभी इसमें पहली बार मोटर डल रही है और ये कम से कम 15-16 फीट नीचे है, तो अभी ये दोस्तों अभी 7 या 6-7 फीट नीचे अंदर पानी है। दोस्तों काफ़ी गहरा है, आप देख सकते हो ये। तो दोस्तों मैं अभी मोटर पे ही जैसे अपनी 3 HP की मोटर है उस पर खड़ा हूँ और ये लगभग 7 फुट गहरा है। तो दोस्तों ये मेरा लड़का है सुनील, उसको भी मैंने ट्रेनिंग दी है नहाने की, एक्सपोर्ट किया है, तो वो बोल रहा है कि मैं भी पापा नहाऊंगा, मैं भी नहाना चाहता हूँ। तो ये भी ऊपर से कूद के दोस्तों देखो ये आ गया है, और इनको मैं इसके साथ रहूँगा भाई, कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये डूब जाए। फिर भी दोस्तों ये एक्सपोर्ट है तैरने के लिए, देख सकते हो आप ये तैरता है। तो दोस्तों मैं अभी इसको मोटर को वहाँ से बाहर निकल गया हूँ, इस मोटर के कनेक्शन करते हैं, ये डायरेक्ट चलाएंगे, जैसे उनके पास स्टार्टर नहीं है, पुराना जोगाड़ था उनसे चलाएंगे। तो सेल वगैरह और इसका कनेक्शन मैंने पहले से कर दिया है, अब इसका पानी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इतना पानी दे रही है, आप पूरे कैमरे में नज़र आएगा आपको पानी पानी कितना प्रेशर है 3 HP मोटर का दोस्तों। तो आप देखिए इनके आने वाले काफ़ी, यहाँ कम से कम 7-8 जने पहले से हमारे इंतजार में थे पानी देखने के लिए। तो दोस्तों आप इसका पानी देखिए कितना पानी दे रही है। अब जा रहे हैं दोस्तों फुहारा चेक करने के लिए, तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ यहाँ से फुहारा चेक करने के लिए। काफ़ी हम ही उतावले हो रहे हैं फुहारा देखने के लिए दोस्तों, जैसे नई चीज़ देखने के लिए मज़ा आता है, पर दोस्तों मेरा तो पहले से ही टेस्ट किया हुआ है, पर मैं तो हर मोटर का ही दोस्तों टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे हैं दयाल जी, और मैं दयाल जी के आगे हूँ, और ये काफ़ी और आए हुए हैं इनके आसपास के जो भी हैं चौपड़े नानी के, जो ये देखने के लिए आए हुए हैं, सभी पानी देखने का उनको सबसे उत्सुक है। तो मैं ही इनके आगे हूँ, और ये मेरे पीछे वीडियो बना रहा है मेरा सुनील लड़का, ये मेरा कैमरा मैन, मैं इसको कैमरा मैन बोलता हूँ, राज ये हमारा चंदू मिस्त्री और राज रिपेयरिंग चैनल के दोनों के कैमरा मैन हैं, इनके ये ही शूटिंग करता है दोस्तों मेरा लड़का है। तो बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह भी ये कर लेता है। अभी मैंने इनको बोला भाई एडिटिंग में कुछ दिक्कत आ रहा है, अपनी वॉच फास्ट आ रही, तो उन्होंने बोला पापा आप दोबारा इसकी एडिटिंग कर दिया करो। तो दोस्तों ये फुहारा देख सकते हो पूरे जाम में दोस्तों 17-18 नोजल बना रहे हैं, उनको मज़ा आ गया सर फुहारा देखने का। और किसी एक फुहारे में दोस्तों इसमें कुछ से कचरा आ गया, जिससे कुछ बच गया है, तो ये दयाल जी हैं, ये इसका कुछ कर रहे हैं सोल्यूशन, देखते क्या होता है। तो दोस्तों मैं भी इनके पास जाता हूँ और फुहारे की कुछ फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेने का तो मज़ा आता है ना, इतनी अच्छी हरियाली है दोस्तों आप देख सकते हो। ये दयाल जी फुहारा को वापस काट के इसका कचरा वगैरह काट रहे हैं और सही कर रहे हैं, ठोक ठोका के जैसे सही निकल जाए, कुछ इसमें अंदर कुछ फंस गया है, इतना प्रेशर है इसलिए वापस इसको फुहारे को सही कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी इनको बोला आप मेरा मोबाइल लीजिए, और मैं कुछ फुहारे के साथ में कुछ सेल्फी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी इसमें सेल्फी खिंचाने के लिए कुछ ऐसा मेरा सेल्फी खिंचाने का बहुत अच्छा है, पर इसमें जैसे धूप पड़ रहा है दोस्तों, अभी इसमें धूप का माहौल है, तो इस कारण से सेल्फी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है खींचने के लिए। दोस्तों मेरे पास में तो फ़ोन है, फ़ोन से तो इतना ही सेल्फी आता है दोस्तों। ये फुहारा चल गया, मैं भाग के आ रहा हूँ या भीजने लग गया हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों ये पूरे कम से कम 7-8 बीघा में मूंगफली है दोस्तों, मूंगफली जानते हो ना खाने वाली, जो फोड़ फोड़ के खाते हैं उनकी खेती है दोस्तों। तो ये मूंगफली की फसल तैयार होने वाली है। तो दोस्तों ये कम से कम 8-10 बीघा में पूरे जाम में 17-18 नौजवान चल रहे हैं, उनको मज़ा आ गया दोस्तों, दो की लाइन है और उसके मज़ा आ गया फुहारा देख के, ये तो बहुत खुश हो गया जी। तो दोस्तों मैं ये आप देख सकते हो पूरी फसल है दोस्तों, कम से कम 7-8 बीघा में मैंने पूरे जाम में, जैसे इससे 7-8 बीघा में घूमूंगा तो मेरे को 15-20 मिनट लगा था दोस्तों। मैंने तो वीडियो दोस्तों काफ़ी काट पीट किया है, इसलिए वीडियो आपको ऐसा लग रहा है, और वीडियो मैंने स्लो मोशन में डालता था दोस्तों, कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो था, मैंने तो ये 10 मिनट पे इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है जी। तो ये वीडियो बहुत फास्ट किया है मैंने, और मेरी आवाज़ है दोस्तों, तो मैं ऑफिस में वहाँ से निकल गया हूँ, और मेरे को जल्दी काम था इसलिए मैं मेरे कुचामन आने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे राज रिपेयरिंग और चंदू मिस्त्री यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है, मेरा वीडियो पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, धन्यवाद दोस्तों। मैं मेरी दुकान पे पहुंचने वाला हूं।